तो हेलो ऑफिशियल्स, क्या हाल चाल। तो गाइस, तो आए दिन मुझे मतलब काफी बंदे कमेंट्स आ रहे कि भाई हमारा जो पिंग प्रॉब्लम है ना वो काफी ज्यादा हो रहा है। मतलब हम हमारा जो सही से गेम प्ले नहीं खेल पा रहे क्योंकि हमारा जो पिंग है ना मतलब 500 600 1000 ऐसा ही चल रहा है। मतलब हमारा जो पिंग है ना अच्छा चल ही नहीं रहा है। अभी बता दे भाई। तो मैं आपको एक छोटा सा काम बताने वाला हूँ, आपको करना, आपको क्या करना, आपको घर में है ना अपने राउटर बैठवा देना, फिर देखो जो आपका पिंग है ना एकदम मस्त चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ राउटर का कनेक्शन लगा लो। अब्बा नहीं मानेंगे। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने का नहीं है, मुझे पता है कि आप राउटर अफोर्ड नहीं कर सकते। अबे साले, ये जो नीचे का सबसे बटन है ना वही फ्री होता है, तो उसको ये आप नहीं लेते तो ये पैसे वाला काल होंगे यार। ऐसा मत करो मेरी जान, क्योंकि यार देख ही सकते हो अभी तक भले के 90% बंदे हंसे जो हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं उनने। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो यार देखो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। तो चलो यार बिना आपके टाइम की बर्बादी किए चलिए कर दे वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हमारा जो सबसे पहले का पॉइंट है वो पहले का मिस्टेक। काफी जो बंदे हैं ऐसे मिस्टेक करते हैं जिसके कारण से उनका मतलब उनका जो पिंग है ना हमेशा हाई रहता है। गाइस तो हमारे जो पहले मिस्टेक वो ऐसे मिस्टेक है जो काफी बंदे हैं मतलब सही से सिम चूज नहीं कर पाते। मतलब आपको एग्जांपल में समझाते हैं, काफी बंदे क्या करते हैं ऐसा सिम चूज कर लेते हैं मतलब उनके एरिया में उस सिम की मतलब यार मतलब अच्छी सर्विस ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले काम करना है आपको मतलब अच्छी सर्विस वाला जो आपके एरिया में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता होगा ना वो वाला सिम परचेस करना है। जब तक आप वो वाला सिम परचेस नहीं करोगे ना अच्छी सर्विस वाला, तो आपका जो पिंग है ना मतलब जन्मों भी कम नहीं होने वाला। आप कौन सी भी सेटिंग लगा लो कुछ भी कर लो, क्योंकि आपके शहर में अगर अच्छा टावर कनेक्शन नहीं दे रहेगा तो क्या घंटा रह जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा सिम ले लेना है जिससे सर्विस है ना आपके एरिया में अच्छी हो, उसका टावर कनेक्शन अच्छा हो, मतलब उसका सब कुछ है ना आपके एरिया में एकदम परफेक्ट हो। अब देखो काफी बंदे बोल रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो मतलब अच्छा खासा सिम का कनेक्शन है, अच्छी खासी रेंज भी आती है तब भी हमारा पिंग हाई जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा ना वाली सेटिंग आपको अप्लाई करनी, उसके बाद है ना आपका जो पिंग है ना एकदम बढ़िया चलने वाला है। क्या बात है सर। अरे सर क्या बात। तो गाइस तो आपको सबसे पहले जो सेटिंग है ना वो आपको जो इन गेम करनी है वो मैं आपको क्या क्या करनी है चलो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस तो आपको पहले सेटिंग ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर पहले आपको जो डाउनलोड सेंटर वाला ऑप्शन है ना यहाँ पर आपको डाउनलोड रिसोर्स कुछ आता है तो इसको क्या करना है, इसका आपको ऑफ कर देना है। जिस कारण से क्या होगा, अगर भाई अगर आप गेम वगैरह खेलोगे ना तब क्या होता है वो ऑन रहता है, जिस कारण से क्या होता है वो बैकग्राउंड में अपना जो डेटा है ना वो मतलब कलेक्ट करता रहता है, जिस कारण से आपका काफी टाइम जो पिंग हाई भी जाता है। और गाइस कभी आपको पहले एक सेटिंग करते रहनी है वो क्या करता है, आपको अपने जो क्लियर कैच करते रहना है। काफी जो बंदे क्लियर कैच नहीं करते जिस कारण से क्या होता है उसका जो कैच है काफी ज्यादा जमा होता है और जिस कारण से आपका जो गेम है ना मतलब वो सही से नहीं चलता है। आपको कभी पहले अगर 5-6 टाइम है ना एक टाइम को आपको क्लियर कैच करते रहना है। तो आपको जो दूसरी सेटिंग करनी है वो करनी है आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन में। अगर आपका जो पिंग काफी ज्यादा हाई होता रहता है तो आपको क्या करना है, अगर आपका जो हाई वाला ऑप्शन पे इधर जो हाई FPS उसको क्या करना है उसको आपको एक बार नॉर्मल भी कर देना है। बात करें पहले ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स आपको कभी पहले स्टैंडर्ड पे रखना है। अगर आपके पास पहले 6GB 8GB 4GB RAM का डिवाइस है आपको स्टैंडर्ड पे रखना है। अगर आपके पास 1GB 2GB RAM का स्मूथ पे रखना है। अगर आप ज्यादा ग्राफिक्स रखोगे तो क्या होगा आपका जो गेम लैग भी होगा और उसके साथ पिंग प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा। चलो ये तो पहले अगर हो गई अंदर की सेटिंग, चलो बात करें आपको बाहर सेटिंग कौन सी अप्लाई करनी है। गाइस तो पहले आपको सेटिंग ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आपको सिम इन्फो वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने जो सिम का नेम आ जाएगा उसको क्या करना है उसका आपको रीसेट पे कर देना है। इस कारण से क्या होगा आपका जो नेट है ना मतलब काफी ज्यादा बढ़िया चलने वाला है। उसके बाद जब अपना जब गेम खेलेंगे तो आपके गेम में मतलब अच्छा पिंग चलेगा, तो आप है ना भाई ऑप्शन भी दे दो। हमारी नेक्स्ट सेटिंग करनी है वो करनी है, अगर आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे परफेक्ट नेटवर्क टाइप तो उसको क्या करना है उसका ऑटो पे सिलेक्ट करना है। अगर आपका 5G का ऑप्शन आ रहा है ना तो आपको 5G में उसको मतलब सेट कर देना है। हमारे जो नेक्स्ट सेटिंग होने वाली है वो डेवलपर ऑप्शन होने वाली, यहाँ पर आपको क्या करना है आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट वाला ऑप्शन ढूंढ लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है उसको ना आपको बोले ऑलमोस्ट 2 प्रोग्रेस पे रख देना है। आप उसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी लग सकते हो, अगर रखोगे तो क्या होगा अगर आप कौन सा अलग ऐप ओपन करोगे तो आपका जो गेम है ना रिस्टार्ट होगा, मतलब आपको वही से चालू नहीं होगा, ये आपको प्रॉब्लम देखने मिलेंगी। इसलिए बोलो आपको क्या करना है उसका आपको ना 2 ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है। ऐसे सिंपल आपको ये वाली सेटिंग करनी है, उसके बाद आपको और एक सेटिंग करनी है जो पहले अगर काफी काम के हो पहले मुझे पता नहीं सभी के बंदे के पास होंगी क्या नहीं होंगी, लेकिन मेरे पास है तो चलो मैं आपको वही समझ देता हूं। आपको क्या करना है आपको बोलेगा आपके सेटिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको गेम्स वाला मोड आएगा जैसे कि देख भी सकते हो। यहाँ पर आपको ना जो मोड है ना मतलब अल्ट्रा प्रो वाला मोड कर लेना, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो आपको प्रो वाला करके रखना है, आप कौन सा भी कर सकते हो लेकिन मैं प्रो वाला करूँगा कुछ उससे है ना मतलब अच्छी खासी जो ग्राफिक्स मिलते हैं और आपका जो डेटा है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आपको और एक सेटिंग मिलेंगे जो पहले अगर गेम फोकस मोड अगर आप उसको ऑन करोगे तो क्या होगा आपका पहले गेम फोकस चलेगा सिर्फ, बाकी आपका कोई भी ऐप नहीं चलने वाला, सिर्फ आपका जो नेटवर्क है ना आपको सिर्फ आपका गेम को मतलब नेट देने वाला है, जिस कारण से आपका जो है ना वो भी पहले और आपका पिंग काफी ज्यादा बढ़िया चलने वाला है। और इस सेटिंग ऑन करते पहले आपको रिस्क भी होने वाली है, क्योंकि नहीं एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, मैं बोले ये सेटिंग ऑन करके ना अपना गेम खेल रहा था, मेरा गेम तो काफी मक्कन जा रहा था, लेकिन जैसे मैं गेम के बाहर आया तो मुझे यहाँ पर दिख के मेरे पापा के मतलब है 10 मिस कॉल। समझ ही सकते हो कि मेरे क्या हालत हुई होंगी। तो
गाइस यहाँ पर मैंने भाई अगर आपको जो जो सेटिंग बताई ना भाई, वो सेटिंग सभी के सभी सेफ होने वाले, जो भाई अगर आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले आपके पिंग प्रॉब्लम होने पर, तो गाइस इस वाले सेटिंग के बाद जरूर ट्राई करना। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब। तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एक बार लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।